और खबरों की शुरुआत करते हैं बुलंदशहर की खास खबर के साथ। बुलंदशहर के पूर्व सांसद कमलेश वाल्मीकि की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। अपने आवास पर बंद कमरे में उनका शव मिला है। आपको बता दें कि 2009 से 2014 तक समाजवादी पार्टी से सांसद रहे। वहीं पूर्व सांसद की मौत की खबर मिलते ही खुर्जा में सनसनी फैल गई है। और बड़ी बात यह है कि कमलेश वाल्मीकि के जो शव है उस पर चोटों के निशान मिले हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव को अपने कब्जे में लेकर अब तफ्तीश शुरू कर दी है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अली शरर इस वक्त फोनलाइन पर। अली, जानकारी आपसे चाहेंगे। पहले तो ऐसा लग रहा था, जिस तरीके से खबरें मिल रही थी, कि हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन अब शरीर पर चोट के निशान क्या कुछ बयां करते हैं जानकारी? देखिए दीपिका, ये पूरा मामला बुलंदशहर के खुर्जा पूर्व सांसद कमलेश वाल्मीकि के आवास का है, जहां उन्हीं के बेडरूम में उनका शव मिला है। परिवार में की अगर माने तो परिवार में साफ तौर पे कहना है, परिवार के बाकी लोगों से, जो उनकी पत्नी है वो घर से बाहर गई हुई है और बेडरूम सुबह से लॉक था। आखिरकार बेडरूम खुलाने की कोशिश की गई, सुबह के जब लॉक खोल के देखा तो उनके चेहरे पर चोट के निशान है, चेहरे पर स्वेलिंग है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसी नशीला पदार्थ देकर की या किसी जहरीला पदार्थ देकर भी मारा जा सकता है। हालांकि कई पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है, फॉरेंसिक टीम सहित एसएसपी मौके पर हैं, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और कई अहम बिंदुओं पर जांच की जा रही है। एक बात और बताऊं दीपिका, 2009 से लेकर 2014 तक समाजवादी पार्टी से सांसद रहे थे बुलंदशहर और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बहुत करीबी कहलाते हैं मृतक सांसद। जी दीपिका बिल्कुल। तो अभी पुलिस और फॉरेंसिक टीम कुछ कह पा रही है? वहीं यदि आपके आसपास के लोगों से बात हुई हो तो उनका क्या कुछ कहना है? देखिए साफ तौर पर दीपिका, ये कहना है इलाके के लोगों का, जो खुर्जे के लोग हैं, इन्हीं के पड़ोस के, इस समय क्योंकि न्यूज 18 यानी हम मौके पर हैं और सबसे पहले ये खबर भी हमने ब्रेक कराई है। साफ तौर पर कहना है इलाके के लोगों का कि सुबह से ही घर में शांति थी, किस तरह का कोई विवाद नहीं था, लेकिन अब जब बेडरूम नहीं खोला गया तो जो मृतक सांसद है उनकी माता ने खुलवाने का प्रयास किया और दरवाजा तोड़ के जब देखा तो बॉडी उनकी उन्हीं के बेडरूम में उन्हीं की बेड पर पड़ी थी, जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई है। मौके पर तमाम अधिकारी और कई अहम पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अली तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो फिलहाल पुलिस इस वक्त तफ्तीश में जुटी हुई है पूर्व सांसद कमलेश वाल्मीकि की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। और बड़ा सवाल वो यही कि चोट के निशान पाए गए हैं, फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है।